नमस्कार, आप देख रहे हैं गठजंब वर्चुअल। मैं पंकज खजुरिया। कांग्रेस के दिग्गज लीडर राहुल गांधी की सदस्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रद्द कर दी गई है, जिस प्रकार से कल हाईकोर्ट सूरत द्वारा एक फैसला दिया गया था जहां पे उन्होंने मोदी सरनेम के साथ जो है वो एक आपत्तिजनक नाम जोड़ के जिसके ऊपर उन्होंने 2019 में कैंपेनिंग की थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ कहा यूनियन मिनिस्टर रामदास अथावले जी ने, आइए सुने। मैं डेमोक्रेसी है, आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी और अपने देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है। तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है, इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ट्रस्ट से मस्त नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते थे तो शायद उनको डिसक्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था। सर, ये लेकिन डिसक्वालिफिकेशन जो है ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है, अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिसक्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उसको...